पुली चेंबर में जो मोबिल होता है वो इसी जरिए से घूमते हुए आपको आता है और साइलेंसर के द्वारा आपको गर्म हवा निकल, और या तो जो बच्चा लोग टॉप गियर में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड क्लच दबाना और एक्सेलेरेटर झाड़ कर चलाना, इस तरह से प्रॉब्लम शुरू होता है। 1500 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर हो या अच्छे मैकेनिक यहाँ हो, जाइए और इंजन ऑयल का चेकअप कराइए। इसी कारण से इंजन में मोबिल जो है हीट करके सूखने का चांसेस बढ़ता है और इंजन भी खराब हो जाता है। स्वागत है आपका मोटो मिस्त्री में, मौजूद हूँ शिवा ऑटो ट्रेडर्स न्यू म्यूजियम के सामने। संजय जी हमारे साथ हैं और बाइक है पल्सर 150। बहुत लोग ने कंप्लेन किया है कि जो कि बाइक से धुआं निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है, क्या कुछ करना है आपको और क्या नहीं करना है, सीधे हम सीखेंगे। और सब चीज़ जो भी बताना चाहिए, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, वो चीज़ भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज बताने वाले हैं कि किसी भी बाइक में अगर धुआं देता है तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर देते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल पल्सर में दिखा रहे हैं। ये हाफ जो इंजन है ये ब्लॉक और पिस्टन का एरिया है जहाँ पे हमारा जो फुली चेंबर में जो मोबिल होता है वो इसी जरिए से घूमते हुए आपको आता है और साइलेंसर के द्वारा आपको गर्म हवा निकलता है। लेकिन जब ये ब्लॉक पिस्टन में कोई तरह का कमी आ जाता है तो आपका ये जो धुआं देने वाला जो साइलेंसर है इसमें वाइट कार्बन बनकर धुआं बनकर आपका धुआं बनकर मोबिल जो है इंजन के बाहर चला जाता है, जिसके कारण इंजन डेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो रियल यही है कि यहाँ जो ब्लॉक और पिस्टन है, जब गाड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो पिस्टन और ब्लॉक दोनों आपस में घर्षण कर चलता है, और इंजन वायल या तो ज़्यादा पुराना चलाने वाले लोग हो, पुराना मोबिल जो यूज कर लेते हैं, या फिर लोकल मोबिल जो गांव में बहुत से लोग लोकल मोबिल का इस्तेमाल करते हैं, और या तो जो बच्चा लोग टॉप गियर में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड क्लच दबाना और एक्सेलेरेटर झाड़ कर चलाना, इस तरह से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो हम लोग जो है इस पिस्टन और रिंग को फिर से वापस बनाते हैं खोलकर, तब ये धुआं का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो हर 1500 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर हो या अच्छे मैकेनिक यहाँ हो, जाइए और इंजन ऑयल का चेकअप कराइए। अगर इंजन ऑयल पुराना हो तो तुरंत नया डालिए, अगर कम हो गया हो तो उसको तुरंत लेबल करवाइए, और कम से कम ज़्यादा हो सके तो आप एक्सेलेरेटर को ज़्यादा रफली ना चलाएं। इसी कारण से इंजन में मोबिल जो है हीट करके सूखने का चांसेस बढ़ता है और इंजन भी ख़राब हो जाता है, और जब ख़राब होता है तो फिर यही हाफ इंजन का काम, पिस्टन रिंग वाल्व गाइडर ये सारा चीज़ का काम किया जाता है, तब फिर से वापस ये ठीक हो जाता है। इसको प्रॉपरली आपको रखने के लिए हर 1500 पे सर्विस सेंटर में बिल्कुल जाना जरूरी है। तो जो भी लोग का कंप्लेन था कि गाड़ी धुआं देता है, गाड़ी धुआं देता है, तो अब जो चीज़ इन्होंने बताया है वो चीज़ मत करिएगा, और जो चीज़ इन्होंने अलर्ट किया है कि जैसे इंजन ऑयल थोड़ा सा कम हो प्लीज़ उसको लेवल में ले आइए, और जो भी एक्सेलेरेटर देते हैं बहुत ज़्यादा और वो वैसे नहीं देना है। तो बस आपने सीख लिया कि धुआं नहीं देगा गाड़ी में क्या करना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।